أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله واللعنة الله على أعدائه مجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين رب الشاه لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفكه قولي اللهم عجل لوليك الفرج اللهم لعن قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام रिस्पेक्टेड ब्रदर्ज एंड सिस्टर्स सलामैक वरह थैंक यू वेरी मच फॉर जवाइनिंग आज का वो तारीख़ है आज का वो आज का वो दिन है कि जिस दिन इक्कीसवीं माह मुबारक रमजान फोर्टी हिजरी सनचालीस हिजरी में हमने, हमने हमारे मौला वाक़ा अमिर इमामबन अबी तालबलम को खो दिया इमाम अली अली की शहादत हमारे लिए सबसे बड़ा गम है अल्ला अमीरमिन के कतलिन पर इब मुलजम पर बेशुमार लानत करें उन सब पर लानत करें जिन्होंने अमिर उलमीन की शहादत में जो है हिस्सा लिया साहबा को जानो कि इस सीरीज़ के आज के एपिसोड में हम अमीरम के दो अब का जिक्र करेंगे कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को जो है अमीर उमिन की ख़दमत में जो है सर्फ कर दिया और वो है जनाब हजरबन आदी अल्की और जनाब ओवैसरणी जनाब हजरबन अदी के बारे में कि वो जो है अमीर उम्मीी इमाम अली अबी अभी तलिम के ख़ास सहाबियों में से थे कुछ लमा यह भी बताते हैं कि जनाब हजरबन अदी डेली हज़ार रकात नमाज पढ़ते थे डेली वन थाउजेंड रक़त नमाज़ पढ़ते थे वो जो है जंग सिफीन में और जंग नहरवान में जो किंदा कबीला था उसके जो है अलमदार थे और वह अमीरमिनी अमीर इमाम अलीब ने अभी तलब्लम की जो फोर्स थी जो उनकी आर्मी थी उसमें भी जो है कमांडर की पोस्ट रखते थे जब अमीर की शहादत हो गई और इमाम हसन का दौर हुआ और जब इमाम हसन की शहादत हो गई तब जो है माविया इबनबी सुफियान ने जो है अमीर उलमिन इमाम के चाहने वालों को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल करना शुरू किया ऐसे मौके पर जब जनाब हजर इबन अदी अल कंदी को जो है पकड़ा गया उनको तब जनाब ने अदी ने जो है उनसे कहा गया कि जाओ मेम्बर पर और अमीर उम्मीिनी इमाम पर लानत करो तो जनाब हजरबन अदी मेम्बर पर गए और अमीरमिन की बहुत तारीफ़ की और माविया इबन अबी सुफियान पर लानत की अब जब यह हुआ तब 51 वन हिजरी में जनाब हजरब्न अदी अल्की को जो है मुआविया के ऑर्डर्स पर उसके गवर्नर के ऑर्डर्स पर जो है शहीद कर दिया गया और उनके साथ साथ कई और शहदा को शहीद किया गया इन सब की क़ब्र जो है वो मराज अज़रा नाम की जगह है जो डमास्किस दमिश के पास है ऐसा किताबों में लिखा है रसूल महमद्ला वसलम ने कहा था कि कुछ नेक लोग जो है जो दीन इस्लाम से रिलेटेड होंगे वो जो है मराज अज़रा में जो है दफन किए जाएंगे और इसी वजह से जो है आयशा ने मुआविया के ख़िलाफ़ जो है बगावत की और कहा कि जो है ये रसूल्ला की हदीस है और तुमने जो है इन लोगों को जो है क़त्ल किया और तुम जो है गलत हो लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो दूसरे सहाबी है जिनका हम जिक्र करने जा रहे हैं वह है जनाब अवैस करनी रहम जनाब अवैस करनी के बारे में है कि वो अपनी वालदा जो थी उनसे जो है परमिशन लेकर ख़ास रसूलुल्लाह से मिलने के लिए आए थे मदीना लेकिन रसूलुल्लाह मदीने में न मिले तो फिर वो जो है क्योंकि उनका बहुत शॉर्ट टाइम था वो प्रॉमिस करके आए थे उनकी मोम से तो इसीलिए वो जो है वापस चले गए जब रसूलुल्लाह मदीना वापस आए तो उन्होंने कहा मुझे जो है जन्नत की खुशबू आ रही है कुछ रवायात में है कि मुझे जो है ओवैस की खुशबू आ रही है जबकि जनाब ओवैस जो है काफ़ी टाइम पहले जो है मदीना से निकल चुके थे और जब कुछ स्टोरीज़ में मेंशनड में है कि जब जनाब ओवैस को पता चला कि रसूल्ला का जंगी वहद में दाँत शहीद हो गया तो उन्होंने जो है अपने भी दांत को जो है शहीद कर लिया था उस उस मोहब्बत में लेकिन उनको जो है रसूल्ला का दीदार नसीब नहीं हो पाया ऐसे कुछ स्टोरीज़ में मेंशनड में है लेकिन रसूल्ला ने जो है जनाब ओवैस करनी के बारे में दुआ की है और जो है कहा कि वो जो है कई लोगों की शफात करेंगे जनाब ओवैस के बारे में जो कि वो अपनी पूरी पूरी रात जो है इबादत करते थे और रुकू और सजदे में जो है गुजारते थे जब अमीरमिन का दौर आया तो जनाब करनी जो है उनकी जो है ख़दमत में आ गए और जंग सिफीन में जो है उन्होंने इमाम अमीर उमिनी का साथ दिया माविया अबिनबी सफियान के ख़िलाफ़ और जंग लड़ते लड़ते जनाब ओवैस करनी शहीद हो गए इस तरह जो है अमीरमिन के कई असहाब या तो उनकी ज़िंदगी में या उनकी जो है शहादत के बाद जो है चुन चुन कर जो है शहीद कर दिए गए इन कल फिर मुलाकात करेंगे दो नए की स्टोरी के साथ अमीरमिन के क़ातिन पर बेशुमार लानत करते रहें व आखिर दावादिल्ल रबालमिन पर महमद वालमहमदलवाहम्मर